हाय टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, काफ़ी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हालांकि मेरे से शायद किसी ने कमेंट करके भी पूछा था कि अगर हम कोई यू बेंडिंग की डाई बनाते हैं, ठीक है, कोई यू बेंडिंग की डाई बनाते हैं तो डाई का साइज क्या रखेंगे, पंच का साइज क्या रखेंगे, क्लियरेंस क्या रखेंगे, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ऐसे प्रैक्टिकल मैंने करके देखा, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से यू बेंडिंग का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। अब मान लीजिए हमारा ये आउटर साइज है, आउटर साइज हमारा जो ए है, ये कितना दिया हुआ है हमने, 50 mm, ठीक है, ये हमारा 50 mm का साइज दिया हुआ कोई भी है आउटर साइज, ठीक है, थिकनेस के बाहर बाहर, यानी कि ठीक है। और अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमारी ये 5 mm की सीट है, ठीक है, 5 mm सीट, मतलब क्या हुआ, 50 ये हो गया, 5 यहाँ से माइनस हो, 5 यहाँ से माइनस हो, अगर हम अंदर अंदर चेक करें, ऐसे हम यहाँ से अंदर अंदर चेक करें तो हमारा कितना होगा, ये 40 होगा, क्योंकि 5 यहाँ माइनस हो, 5 यहाँ माइनस हो गया, 5 5 की सीट है, ठीक है, यानी कि 5 की सीट है, 5 इधर, 5 इधर माइनस होगा, अंदर अंदर 40 हो जाएगा, बार बार चेक करेंगे 50 रहेगा। अगर इसके में कोई डाई बनाते हैं, मान लो, मान लिया जाए कोई डाई हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसे करके डाई बनती है हमारी, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कोई ये डाई हमारी कुछ इस सेब, देखो सेब के ऊपर मत जाना है कि सेब क्या बना रहे हो, मेरे को मेन चीज़ दिखाना और समझाना है, ठीक है। अब हमारे डाई का साइज़ क्या रहेगा, हम डाई का साइज़ यहाँ पर 50 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम 50 रख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी ये डाई का साइज़ हमारा कितना हो गया, 50 mm, ठीक है, 50 mm रखते हैं हम यहाँ पर। अब हमारा पंच का साइज़ क्या बनाना है, हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए, 5 mm इधर माइनस हो, 5 mm इधर माइनस हो, हम 40 का पंच बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 40 का पंच नहीं बनाना चाहिए, 40 का पंच बनाने मतलब हो गया भाई साहब, आपने तो बिल्कुल क्लियरेंस ही नहीं दिया, बिल्कुल लगड़ के जाए वो, बिल्कुल घिस के जाए वो, भाई ये कहाँ का यार न्याय है यार, तुम जबरदस्ती चढ़ रहे हो उसके ऊपर, ये गलत है ना, थोड़ी तो जगह दो उसको, ये इतना मत खा लो कि हजम भी ना हो। इसके लिए सिंपल सा, इसको कम से कम 0.2 माइनस कर लो, ठीक है, इसका साइज कितना रखेंगे आप, 39.8 पंच का साइज, जो इसके अंदर आप पंच डालेंगे, पहले आपका क्या हो गया, ये कंपोनेंट ऐसे ऐसे करके आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया आपका, और फिर यहाँ से आपका ये पंच आ गया, ये पंच आ जाएगा ऐसे कर, ठीक है, ये पंच आ जाएगा, पंच का साइज आप रखिए 39.8। 39.8 क्यों रखना है, 40 तो हमारा अंदर अंदर साइज है, कम से कम 0.2 माइनस रख रहे हैं ताकि उसके अंदर आराम चला जाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल लगड़ के छील के काटता हो जाए। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इस चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम मतलब ये आई, ये पीस जब तक इसके अंदर था ठीक था, जैसे ही बाहर गया पीस, जैसे ही बाहर गया, हो सकता है कि वो स्प्रिंग बैक मारे, बाहर की तरफ खुले, इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता क्या स्प्रिंग बैक कितना ही मारेगा, इतना ही मारेगा, 1 mm मारेगा, 0.5 मारेगा, 0.2 मारेगा, इसी चीज़ों के लिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, कोई हम रेंडमी, मतलब कोई सीट लेते हैं, उसको बेंड करके देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मतलब सारा कुछ हमारा कन्फर्म हो जाता है कि स्प्रिंग बैक कितना मार रहा है। इसके लिए हम लोग कई बार दो टूल बनाना पड़ जाता है, दो टूल मतलब हो जाता है कि पहले वाले में हम बेंडिंग करते हैं, मान लीजिए हमारी कोई ऐसे करके बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे कुछ इस तरीके से बेंडिंग हुआ 20 सेब में, लगभग लगभग 20 सेब में, नीचे यू रहेगा लेकिन लगभग 20 सेब में। फिर दूसरे वाले हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसको यू लेते हैं, यानी कि बिल्कुल हम ऐसे यू कर देते हैं, ठीक है, एक बार एक कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कई बार ऐसा होता है कि टॉलरेंस होता है और वह आ जाता है कंट्रोल में। कंट्रोल में कैसे आ जाता है कि जो हमारे पास ये पंच है, ये पंच है हमारा पंच कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमारा ये पंच हो गया, आपका ये पंच हो गया, तो हम क्या करते हैं, पंच को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ से पंच को माइनस कर देते हैं। पंच को किस कैसे माइनस करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये पंच है, तो पंच हमारा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, हमारा ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारी थोड़ी सी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यानी कि ऊपर की साइड से पंच को थोड़ा सा अंदर तरफ कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अंदर तरफ कर लेते हैं, ताकि जब हमारा पीस अंदर की तरफ जाए, अंदर की तरफ जाए, ये चीज़ हमारा अगर अंदर जा रहा है ये यहाँ पे, तो इसको थोड़ी सी जगह मिल जाए और अंदर की तरफ दब सके, दब सके, दब के वापस आ सके, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही हो जाए, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि टॉलरेंस हमें ठीक ठाक से मिल जाती है और वहाँ पर सक्सेस हो जाता है, कई जगहों पर सक्सेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको दो टूल बनाने पड़ जाते हैं, जिसमें एक बार में लगभग आप 20 सेप मिलेंगे और सेकेंड वाले में आप यू सेप बना लेंगे, उसमें ये सक्सेस हो जाता है, ठीक है। बाकी साइज आप डाई का ऐसा रखेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया, इसमें ऐसा नहीं है, इसके पीछे और भी सारे लॉजिक होते हैं, जैसे नीचे इंजेक्टर लगाना हुआ, इंजेक्टर के साथ आएगा पीस, नीचे को जाएगा, नीचे को जाने के बाद जैसे दबेगा फिर इंजेक्टर पंच को, मतलब पीस को आपको ऊपर निकाल के ले जाएगा,
कुछ इस तरीके से होता है ये सब, ठीक है। जहाँ तक आपको पता चल जाना चाहिए, डाई का साइज आप वही रख सकते हैं, पंच का साइज रखेंगे करीब 0.2 0.3 माइनस रखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्प्रिंग बैक मार रहा है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार यहाँ पर पंच को माइनस करके देखिए, थोड़ा सा पीस अंदर तक दब जाएगा, फिर बाद में बाहर आ जाएगा, हो सकता है कि आपके टॉलरेंस में आ जाए और लगभग लगभग 90 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो आप पहले वी शेप में एक टूल बनाइए, दूसरे टूल में क्या ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, वो आराम से उस पोजीशन पर आ जाएगा, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है दूसरे वाले में भी आपको ऐसे ही अंदर तरफ एक पंच बनाना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो में छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय।